हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे, पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, यूनिट नंबर एक। आज हम जो पढ़ेंगे प्रसार कार्य, वर्क एक्सप्रेशन की बात करने वाले, क्या होता है प्रसार कार्य। देखिए, जो कोई तंत्र होता है उस तंत्र के अंदर जब आयतन के अंदर वृद्धि की जाती है ना, क्या की जाती है, आयतन के अंदर वृद्धि, तो उसे बोलते हैं प्रसार। क्या कहेंगे, प्रसार कहते हैं। उस प्रसार करने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रसार कार्य। हम बात करेंगे ठोस वे द्रव वाले संघनित तंत्रों की बात करते हैं तो उनके अंदर प्रसार कार्य अत्यंत कम होता है, जबकि हम बात करते हैं गैसीय तंत्रों के अंदर, उनके अंदर प्रसार कार्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, जब हम गैसीय तंत्रों की बात करते हैं ना, तो जो प्रसार होता है वो दाब के विरुद्ध होता है। क्या होता है, दाब के विरुद्ध होता है। जब परिपार्श्व के अंदर दाब के विरुद्ध जब कार्य किया जाता है उसे प्रसार कार्य। क्योंकि इसके अंदर हम दाब के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसका इसको हम दाब प्रसार कार्य भी कहते हैं, दाब आयतन प्रसार कार्य भी इसको कहा जाता है। देख लेते हैं इसको। देखो, आयतन में वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रसार। ठीक है, और इस प्रसार में जो किया हुआ कार्य है उसको क्या बोलते हैं, प्रसार कार्य। ओके, अब देखिए, हम बात करते हैं द्रव वे ठोस तंत्रों की। यहां पर ये अत्यंत कम देखने को मिलता है, कम होगा प्रसार कार्य, जबकि हम गैसीय तंत्रों की बात करोगे आगे देखने मिलता है, अधिक देखने मिलता है प्रसार कार्य। ठीक है, गैसीय तंत्र की बात करोगे दाब के विरुद्ध कार्य होता है, जिस कारण इसको दाब आयतन कार्य कहते हैं। इसको आप कहते हैं दाब आयतन कार्य कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको प्रयोग के द्वारा समझते हैं कि ये किस प्रकार से घटना होती है, प्रसार कार्य किस प्रकार से होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लेंगे एक तंत्र लेते हैं इस प्रकार से। उसके अंदर हम क्या लेते हैं, कुछ गैस की मात्रा लेंगे। क्या लेंगे, गैस की मात्रा। ठीक है, कुछ गैस की मात्रा ले लें। गैस की मात्रा लेने के पश्चात कुछ गैस की मात्रा लेने के बाद यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, एक पिस्टन। क्या लगा देता हूं, पिस्टन लगा देता हूं डी, जो क्या है, द्रव्यमान रहित है। हिंदी में इसको संहिता भी कहते हैं, रहित। ठीक है, नो मास इसका कम है इसका। ठीक है, अब इसके अंदर बात करोगे ताप क्या है, इसके अंदर टेम्परेचर है टी, वॉल्यूम है इससे आयतन है वी वन, और इसका प्रेशर है दाब पी वन। ठीक है, अब जब डीप पिस्टन की जब आप बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, डीप पिस्टन की, पहला इसका क्या गुण है, द्रव्यमान रहित है, या इसका द्रव्यमान कम है। दूसरा इसका ये गुण है, ये घर्षण रहित भी है। ये जो हम बात करोगे ना तंत्र की, पिस्टन क्या होगा, पूरा तंत्र के अंदर या इस पात्र के अंदर ये आगे पीछे होती रहेगी बिना घर्षण किए हुए। ठीक है, अब हम क्या लगा देते हैं इसमें, दो रुकावटें, ये रहा, इसमें लगा देते हैं दो रुकावटें। एक तो ये रुकावट जिसको हम एस एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और दो रुकावटें और हैं यहाँ पे, इसको एस डैश व एस डैश के द्वारा रखते हैं। ठीक है, दो रुकावटें हो गई, और इस पिस्टन के ऊपर हम क्या रखते हैं, एम मास का कोई पदार्थ,
एम मास के क्या रखते हैं, कोई पदार्थ रखते हैं, ठीक है। अब केस वाल फर्स्ट देखिए क्या होता है। प्रथम केस के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर टेम्परेचर टी है, दाब पी वन है, ठीक है। ताप क्या है इसके अंदर, टी है। प्रेशर पी, पी वन है। वॉल्यूम है इसके अंदर वी वन, ठीक है। और इसका आयतन यहाँ पर सीमित है, ठीक है, सीमित आयतन है, जिसको क्या करता है, जब पिस्टन ऊपर की तरफ खिसकता है ना, प्रसार करने का कार्य करता है, तब इसको कौन रोकता है, एस वन वे एस रोकते हैं इसको, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर ताप टी ही रहता है। अब केस दो के अंदर मैं क्या करता हूँ, एस वे एस को हटा देते हैं, हटा देते हैं, एस वे एस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जब आप एस वे एस को हटा देते हैं तो अब क्या होगा, इसमें जो दाब की मात्रा है, दाब के विरुद्ध इसका प्रसार होता है, क्या होगा, दाब के विरुद्ध प्रसार, ठीक है। अब जब दाब के विरुद्ध, दाब कैसे लग रहा है, इसका मास इसका लगा रहा है, और ये कहां पर इसको रोक लेता है, एस वे एस देश इसको रोक लेता है, रोक लेगा, ठीक है। अब इसका आयतन चेंज हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, वॉल्यूम हो जाता है, वी बराबर इसका हो जाता है वी टू, टेम्परेचर ताप वही रहता है इसका, और प्रेशर भी चेंज होकर इसका क्या हो जाता है, पी टू, ताप भी क्या हो जाता है, पी टू के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, कार्य किया है ना, प्रसार करके इसने कार्य किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर बात करें ना, ये जो तंत्र है, इसके जो गैस है, ये जो पात्र है वे पिस्टन, ये दोनों दोनों क्या करते हैं, परिसीमा का कार्य करते हैं, इसका कार्य करते हैं, परिसीमा का कार्य करते हैं। देखिए जब भी मैंने रुकावट हटाई है ना, तो इसकी जो परिसीमा है, कौन सी, पिस्टन वाली परिसीमा, उसका प्रसार होता है। परिसीमा क्या होता है, प्रसार होता है, और प्रसार के द्वारा कार्य किया जाता है, ये कार्य ताप के विरुद्ध किया जाता है, ठीक है। अब मानता हूँ ये जो कार्य है, इस जो पिस्टन है ना, पिस्टन ये इसको क्या, जो प्रसार हो रहा है, ये कहाँ तक जाती है, एच ऊंचाई तक, प्रसार के द्वारा ये है एच ऊंचाई तक जाती है, तक जाती है, ठीक है। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं, ये क्या, इसका प्रसार एच ऊंचाई तक जाता है, जिसका अगर आप वेट की बात करोगे ना, वजन, वजन इसका क्या है, एम है, वजन इसका एम है, और गुरुत्वीय बल की आप बात करते हैं, गुरुत्वीय बल की जब आप बात करते हैं वो है एम जी, क्या होता है, एम जी है, ठीक है। अब देखिए जो किया गया कार्य, किया गया कार्य स्मॉल डब्ल्यू इक्वल होता है एम जी एच, ठीक है। अब देखिए जो पिस्टन एंड पिस्टन, आपको पता है ऊपर की तरफ जा रही है, परंतु कोई ना कोई बल है जो इसको नीचे की तरफ फिर ग्रेटिव फोर्स क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ करते हैं। अब इस बल के विरुद्ध, इसको बल क्या हो गया, इसका विरुद्ध देखिए बल हो जाता है इसका, वो पी ओ पी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ना एम जी, एमजी को इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ठीक है, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ताप के विरुद्ध, तो हमारे पास फॉर्मूला जाता है, ठीक है। और एमजी की वैल्यू निकालोगे आप, आएगा पी ओ पी ए इंटू एमजी, समीकरण नंबर दो, और यहाँ पर समीकरण नंबर एक, समीकरण एक वे दो से एमजी की वैल्यू पुट कर दें, समीकरण एक वे दो से, ठीक है, तो क्या आ जाता है, पी ओ पी ए एच आ जाता है। जब हम ए व एच की बात करोगे ना, किसकी बात करते हैं, ए और एच की,
ए होता है क्षेत्रफल, ये है एच है ऊंचाई, क्षेत्रफल एरिया और इसकी हाइट। आयतन क्या होता है? प्रसार कार्य में किया गया परिवर्तन, प्रसार कार्य में परिवर्तन हुआ वही होता है आयतन इसका। ठीक है, क्या होगा? आयतन। ठीक है, एच ऊंचाई तक परिवर्तन हुआ है वही आयतन हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा? आयतन इक्वल हो जाएगा डेल्टा वी के, और डेल्टा वी की भी बात करें वी टू माइनस वी वन। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 क्या हो जाता है? पी ओ पी वी टू माइनस वी वन हो जाता है। अब देखिए, जो एम मास है ना, जो उसका वजन लिया, वो जीरो भी हो सकता है और अधिकतम भी हो सकता है। तो कार्य है ना, कार्य जीरो से लेकर हमारे पास अधिकतम प्राप्त हो सकता है। निर्भर किस पर करता है? डेल्टा वी के चिन्ह पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? डेल्टा वी के चिन्ह पर। अगर वी टू का मान अधिक है, वी वन का मान कम है, तो डेल्टा वी के मान धनात्मक अर्थात कार्य भी धनात्मक अर्थात ऊपर की तरफ जाता है वो। ठीक है, प्रसार होगा ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पर वी टू का मान कम और वी वन का मान ज्यादा तो ऋणात्मक होता है, मतलब प्रसार कार्य नीचे की तरफ होगा ऊपर की तरफ नहीं होता। ठीक है, किस में निर्भर करता है? डेल्टा वी के चिन्ह पर निर्भर करता है। कार्य हमें धनात्मक प्राप्त हुआ कितना प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसमें अगेन टॉपिक को करते हैं। हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए प्रसार कार्य किस प्रकार से होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए प्रसार कार्य किस प्रकार से होता है। जो प्रसार कार्य हमने जो प्रीवियस टॉपिक के अंदर जो पढ़े थे वो पढ़ा था एक पद के लिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? दो पद के लिए पढ़ेंगे, सेम सर्च रहने वाली है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने लिया था पिस्टन इस प्रकार से, ठीक है, हमने क्या लिया था, ये हमने संरचना ली थी इस प्रकार से पिस्टन की, यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ था। ठीक है, और इसका आयतन आपको पता, टेम्परेचर टी था, आयतन वी था, दाब पी वन था। ठीक है, और इसके ऊपर आप हम कुछ वजन रख रहे थे, वेट रख रहे थे एम। अब हम क्या करते हैं, पहले है ना, पहले सबसे अधिक अधिक भार का इसमें वेट रखते हैं पिस्टन के ऊपर, क्या रखते हैं? अधिक वजन का, अधिक वजन का हम रखते हैं, भारी रखते हैं, भारी पदार्थ रखते हैं। ठीक है, भारी पदार्थ रखते हैं, और रखने पर मैं कहता हूँ उसको प्रसार कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और मानता हूँ कि यहाँ पर वो स्टॉपेज है और इसका प्रसार कार्य होता है। प्रसार कार्य माना इसके लिए है W1, क्या हो गया? W1 है, और इसका आयतन कितना हुआ है परिवर्तन? V2। ठीक है, देखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पर परिवर्तन हुआ है V1 से V- तक। ठीक है, आयतन परिवर्तन कितना हुआ है? दाब इसका वही है पी ओ पी, डैश मान लीजिए फाइनल और जी अब। ठीक है, फाइनल क्या है इसका? वी टू डैश और वी वन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरी स्थिति ले लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, कम वजन का या कम भारी पदार्थ लेते हैं, टेम्परेचर सेम रहने वाला है, अर्थात दोनों प्रक्रम देखोगे ना स्थिर तापी प्रक्रम है, टेम्परेचर अंदर कोई चेंज नहीं करने है। आयतन चेंज कितना हो जाता है इसका? V2 चेंज होता है। ठीक है, पहले में आयतन कितना चेंज हो रहा था इसका? V1 चेंज हो रहा था, सॉरी V डैश चेंज हो रहा था, अब इसका आयतन क्या होता है? V2 चेंज हो जाता है। ठीक है, आयतन हो जाता है इसका, V2 चेंज हो जाता है, दाब बदल कर इसका क्या कितना हो जाता है? पी ओ पी डबल डैश, दाब चेंज हो क्या हो जाता है? पी ओ पी डबल डैश, और कार्य क्या होता है इसके लिए? W2 होता है, तो W2 लिख लेते हैं पी ओ डबल। ठीक है, कहाँ तक चेंज हुआ है बात करोगे इसमें इतने की, तो ये कहाँ तक चेंज होता है? ये चेंज हो जाता है हमारे पास V डैश से V2, इसको किस प्रकार से लिखते हैं? V2 माइनस V डैश के रूप, ये हमारे पास है आयतन परिवर्तन। कुल कार्य कितना होता है? W1 दोनों पदों की बात करोगे, ये पहला पद था, दो पद संपूर्ण, पहला पद और द्वितीय पद,
दूसरा पद कह सकते हो। वैल्यू रख देते हैं डब्लू वन, यहाँ से डब्लू मान लेते हैं हमारे के लिए इसको पी ओ पी एस बी वन प्लस पी ओ पी डबल डेस वी टू माइनस वी डेस। ठीक है, पहले के लिए जो प्रसार कार्य था वो हुआ था हमारे पास वी डेस तक। दूसरे की बात करोगे जो प्रसार कार्य यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ तक वी टू तक होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत, अब इसको जो कार्य है ना इसको ज्ञात करने के लिए इसको क्या करते हैं, हम छोटे छोटे पदों में विभाजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, छोटे छोटे पदों में विभाजित कर दोगे। छोटे छोटे पदों में विभाजित करने के बाद में हम इसका समाकलित रूप निकाल के इसके कार्य की गणना कर सकते हैं। छोटे छोटे पदों में जब इसका विभाजित करें तो साम्य में इसका सूक्ष्म परिवर्तन होता है, सूक्ष्म समय के लिए अत्यंत कम समय के लिए इसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है, कार्य ज्ञात करने के लिए छोटे छोटे पदों में विभाजित कर देते हैं जिसमें कार्य डब्लू यह परिवर्तन सूक्ष्म समय के लिए तंत्र को सूक्ष्म साम्य परिवर्तन करवाता है। फिर इसका समाकलन कर देते हैं जिससे क्या होगा, पूरे तंत्र का मतलब छोटे से पद की मतलब पूरा तंत्र है ना, पूरे पद देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत छोटे से हम साम्य परिवर्तन के दौरान सूक्ष्म समय के दौरान, ठीक साम्य परिवर्तन बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म समय में हो रहा है, सूक्ष्म कार्य हो रहा है, जब उसको ज्ञात कर लेंगे ना फिर समागल कर देंगे ना पूरे तंत्र का हमें क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा कितना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, डेल डब्लू, ठीक है, और कार्य को मैं अगर आयतन की बात करूँ डेल वी के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, डेल वी, अब क्या करते हैं इसका समागल कर देते हैं। समागल कहां से कहां तक करते हैं, देखिए वी वन से वी टू, ठीक है, या डीवी को द्वारा दर्शा सकते, ठीक है, या इसको लिख सकते हो आप वीनस या वी फाइनल पी ओ पी डीवी। ठीक है, जब आप इसको हल करते हैं ये प्रक्रम उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, साम्य ताप पर ताप की स्थिति है, जब उत्क्रमणीय परिस्थितियों के अंदर ये प्रक्रम संपर्क कराते हैं तो हमें कार्य अधिकतम प्राप्त होता है, कार्य हमें मैक्सिमम प्राप्त होता है। जब यह प्रक्रम उत्क्रमणीय परिस्थितियों में संपन्न करवाते हैं तो कार्य मैक्सिमम प्राप्त होता है, कार्य में क्या प्राप्त होगा, अधिकतम कार्य प्राप्त होता है। ठीक है, जब अधिकतम कार्य होता है तो उसको लिख लेते हैं W मैक्सिमम बराबर हमारे पास आ जाता है विनेस या वी फाइनल पी ओ पी और डी वी। ठीक है, और इस पी ओ पी को मैं क्या रख देता हूँ, के लिए केवल पी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ। आपको पता होगा पी वी इक्वल टू क्या होता है,
एनआरटी होता है, पीवी बराबर क्या होता है एनआरटी होता है। अगर हम सिर्फ पी की दाब की वैल्यू निकालते हैं तो होता है एनआरटी बराबर इक्वल टू होता है वी। ठीक है, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं। जब वैल्यू को पुट करते हैं वी मैक्सिमम का मान क्या निकल जाता है हमारे पास, ये निकलता है वी फाइनल, वी इनर्शिया, एनआरटी और वी। ठीक है, जब आप इसका करोगे वी मैक्सिमम तो इसका होता है समाकलन, वी का समाकलन होता है लॉग होता है, क्या होता है लॉग, एन आर टी कॉन्स्टेंट सारे बाहर आ जाएंगे, हमारे पास आता है लॉग वी और वी फाइनल वी इनर्शिया। इसको थोड़ा और अच्छे से आप करने वाले हैं तो होता है हमारे पास इसका एक बार के लिए जो समागल होता है वो एलन के रूप में होता है। ठीक है, लोग में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है हमारे पास एन आर टी एलन अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगा देते हैं इसको वी एफ वी इनर्सी। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं एलन वी एफ वी आई। इसको लॉग में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 2.3 से इसको गुणा कर देते हैं, इससे आप जब इसको गुणा कर देंगे लॉग में चेंज जाएगा तो वी मैक्सिमम हमारे पास क्या आ जाता है 2.23 लॉग सॉरी एन आर टी लॉग वी एफ माइनस वी आई, ये हमें प्राप्त होता है। हम बात करें समीकरण को आदर्श गैस के लिए अगर बात करोगे ना, इसके लिए बात करते हैं हम, जब आदर्श गैस के लिए इसकी बात करोगे तो वो क्या होती है, क्या आपको पता है जो V होता है ना समानुपाती P या P समानुपाती क्या होता है V होता है आदर्श गैस के लिए। तो आदर्श गैस के लिए समीकरण हो जाती है W मैक्सिमम 3 एन आर टी लॉग पी आई और पी एफ, पी आई क्या होता है पी एफ। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या था उत्क्रमणीय पदों के लिए, जब हम दो पदों की जब ज्ञात करते उसके लिए कार्य था। ठीक है, तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके आगे के टॉपिक को करते हैं। हम बात करेंगे समतापी तथा रुदोष्म परिस्थितियों के अंदर हम आदर्श गैस के प्रसार जब करते हैं उसके लिए हम डब्ल्यू क्यू डी यू डी एच के हम गणना करने वाले हैं। हमारे पास ये दो समीकरण हैं जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत हमने ज्ञात किया था। ठीक है, अब इनके द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, डब्ल्यू क्यू डेल्टा एच डी यू की हम गणना करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं समतापी के लिए, किसके लिए बात करेंगे, समतापी के लिए बात करते हैं। देखिए, जब आप समतापी के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर डेल्टा टी का क्या मान हो जाता है जीरो, डेल्टा टी का मान क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। तो इसमें जब मान पुट करोगे आप डी यू का भी मान क्या हो जाता है पास जीरो। ठीक है, अब हम लगाते हैं उष्मा गतिकी का प्रथम नियम, प्रथम नियम। ठीक, क्या लगाते हैं उष्मा गतिकी का प्रथम लगाते क्या नियम होता है डी यू बराबर ठीक है क्यू माइनस डब्ल्यू, क्या होता है क्यू माइनस डब्ल्यू। अब देखिए, आपको आपको यू दिखाई दे रहा होगा, मैंने कहा था आपसे जो हम आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं हम ई और यू के द्वारा दोनों व्यक्त करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने समीकरण लगाई थी वहां पर हमने ई को हम परिभाषित करे थे, अब यहाँ पर हम यू को करें तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। ठीक है, ई और यू क्या है यहाँ पर एक ही है। ठीक है, तो डी यू बराबर क्या होता है क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। अब हम जब इसके अंदर हम मान रखते हैं इसका जीरो क्यू माइनस डब्ल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाता है क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, तो कार्य और उसमें बराबर हो जाती है। इसको मैं समीकरण नंबर एक बार के लिए एक दे देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या याद करना है डेल्टा एच, तो एंथैल्पी का आपको पता होगा क्या होता है फॉर्मूला डेल्टा एच। ठीक है, डी यू और पी डी वी होता है, क्या हो जाता है पी डी वी हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए
स्थिर ताप पर बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या होता है? पीवी क्या होगा? एक स्थिर होता है, कांस्टेंट होगा, अर्थात यहाँ पर पीवी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ये जीरो हो जाता है, डी यू हमें पता है जीरो है, ये रहा, ठीक है। तो डेल्टा एच भी क्या हो जाता है? जीरो। डेल्टा एच भी क्या हो जाता है? हमें जीरो प्राप्त होता है। अब हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे रुद्धोष्म परिस्थितियों अंदर। देखिए, रुद्धोष्म परिस्थितियाँ उत्क्रमणीय प्रक्रम के तहत आती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो एस क्यू है उसकी वैल्यू जीरो होगी। रुद्धोष्म प्रक्रम के तहत क्या उसकी वैल्यू जीरो प्राप्त होती है। दूसरा, अगर बात करते हैं डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू भी क्या होती है? जीरो प्राप्त होगी हमें। इसकी वैल्यू में हमें क्या क्या प्राप्त होती है? जीरो, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें जीरो प्राप्त होती है, और डी यू अपॉन डी टी बी की वैल्यू क्या होती है? सी वी। यहाँ से भी देख लीजिए, डी यू अपॉन डी टी वैल्यू में क्या प्राप्त हो रही है? सी वी प्राप्त हो रही है, स्थिर ताप। अब सभी के मान रख देते हैं जीरो, अगर इसका भी मान हम रखते हैं तो जीरो, ठीक है, सॉरी इसका जीरो नहीं है, इसका है हमारे पास सी वी डेल्टा टी जीरो प्लस पी डी वी। इसको यहाँ पर भेज देते हैं सी वी डेल्टा टी इक्वल टू पी डी वी। पी डी वी को हम लिख सकते हैं डब्लू कार्य के रूप में, सी डी टा टी और वो कार्य। इस सी वी की बात करोगे जो परिवर्तन होता है वो होता है टी वन से टी टू टेम्परेचर के अंदर, ये हो गया कार्य। सी वी बराबर हमारे पास आ जाता है टी टू माइनस टी वन, ये हो जाता है डब्लू। ये मैंने क्या निकाल लिया? कार्य। एंथैल्पी परिवर्तन की आप बात करते हो, ये रहा, ठीक है। पहले हम परंतु हम बात करेंगे पहले समीकरण नंबर एक से। समीकरण नंबर एक से अगर हम मान रख देते हैं, किसका मान रखेंगे समीकरण नंबर एक से? समीकरण नंबर एक से हम जो मान रखने वाले हैं वो रखेंगे हम क्यू का मान रखते हैं। किसका मान रखोगे? क्यू का। जब क्यू का आप मान रखते हैं तो क्यू हो जाता है जीरो, और डब्लू का मैंने मान से यहाँ से रख दीजिए, कहाँ गया? पी डी डब्लू, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मान रख दोगे तो क्या आ जाएगा? पी डी वी आ जाएगा। तो डी यू का मान कितना हो जाता है? माइनस का पी डी वी हो जाता है, ठीक है। और स्थिर ताप की आप बात करोगे, समीकरण नंबर दो दे देते हैं यहाँ से। समीकरण नंबर दो के अंदर मान रख दीजिए समीकरण तीन से। समीकरण तीन वे दो से मान रख देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? डेल्टा एच माइनस का पी डी वी, ठीक है। अगर इसको आप थोड़ा और हल करते हैं, ये होता है पी डी वी और वी और डी पी, तो ये कैंसिल हो जाएगा पद, और डेल्टा एच का मान आ जाता है वी और डी पी। क्या आएगा? वी और डी पी आ जाता है। देखिए, इसके अंतर्गत कुछ और बातें आती हैं। देखिए, जब आप प्रसार करते हैं ना, क्या करते हैं? प्रसार। दो प्रकार के आयतन होते हैं, वी इनिशियल और वी फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम। देखिए, प्रारंभ के अंदर प्रसार जब किया जाता है ना, प्रारंभ के अंदर वी आई का मान क्या होता है? कम हो जाता है। इसका मान प्रारंभ के अंदर प्रसार करते हो, और इसका मान अधिक होता है, पता है, जब फैल जाती है तो मान अधिक होना ही है। परंतु जब आप सपीड़न करते हो या सपीड़न सपीड़ित करते हो, इसको दबाते हो, प्रारंभ के अंदर तो वी आई का वी इनर्शिया का मान अधिक होगा, और फाइनल के अंदर इसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मान क्या होगा? हमें कम प्राप्त होगा। यह था हमारा आज का टॉपिक। आशा करते हैं आज को आपका ये टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर इसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए और रिविजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।